कुछ खास है आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कुछ बात चली उसमें। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्ते जो हैं वो किस तरह से साफ दिख रहे हैं, आप ये देखिए कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल मिलाकर या तो आप कह सकते हैं 7 समझौते और 2 घोषणाएं हुई, या फिर कुल मिलाकर कह सकते हैं 9 कुल मिलाकर समझौते हुए। इनमें 2 अलग से घोषणाएं थी वो भी हैं, और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल मिलाकर 7 समझौते भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई है, जो एक जो बड़ा ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसमें जो है बहुत इस पर बात है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिकोण, ये बहुत अहम है रणनीतिक रूप से, एक साझा दृष्टि पत्र जो है जारी किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग कैसा रहेगा उसको लेकर। साइबर और साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग समझौता हुआ, जो समझौते हुए उनमें साइबर और साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग समझौता है। माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के फील्ड में सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है, ये भी अपने आप में एक अहम समझौता है। और इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के प्रबंधों के दस्तावेज पर भी आज दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है इसके प्रबंध कैसे होंगे, रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए भी दोनों देशों के बीच आज समझौता हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, और साथ साथ रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में। लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी दोनों देशों ने समझौता किया है कि किस तरह से प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए करार, यह युवाओं के लिए बहुत अहम करार है क्योंकि इसमें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की बात की गई है। ऑस्ट्रेलिया बहुत से भारतीय जाते हैं और इसलिए यह बहुत अहम समझौता है। जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने आपस में आज समझौता किया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम समझौते जो हैं ये बड़े अहम समझौते हैं जो हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ आज, संयुक्त वक्तव्य के अहम बिंदुओं को समझ लीजिए। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त वक्तव्य में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि दोनों देश ने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा माना है। जी हाँ, बड़ा खतरा माना है इसको। दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की, उन्होंने कहा कि कोई आतंकवाद में हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं। तो इस तरह से संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद को लेकर आतंकी गतिविधियों को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी हाल में आतंकी गतिविधि को उचित नहीं ठहराया जाएगा, इस पर दोनों देश साबित हुए। ऑनलाइन आतंकी गतिविधियां भी आजकल हैं, तो इन गतिविधियों को रोकने पर भी सहयोग होगा, इसको लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बात कही गई है। जो ऑनलाइन आतंकी गतिविधियां, दोनों देश ऑनलाइन आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट कंपनियों के साथ मिलकर पारदर्शिता के साथ काम करने पर सहमत हुए हैं। इंटरनेट कंपनियों के साथ मिलकर के इस पर काम होगा। दोनों पक्ष हिंसक कट्टरपंथ और चरमपंथ को रोकने पर भी सहमत हुए हैं। आतंकवादी नहीं बल्कि हिंसक कट्टरपंथ और चरमपंथ को रोकने पर भी सहमति हुई है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इसका जिक्र है। आतंकवादियों के वित्तीय समर्थन को रोकने पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है कि मिलकर काम करेंगे ताकि आतंकवादियों को जो वित्तीय समर्थन होता है अलग अलग जगह से उसको रोका जा सके। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए समग्र रुख का समर्थन किया है दोनों देशों ने एक दूसरे के, कि इसका समर्थन किया है कि जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए कानूनी रूप से, उसकी भी बात है। साथ साथ समग्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संधि CCIT को जल्द अंगीकार करने का दोनों देशों ने आह्वान किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको लेकर अभी UN में भी जो है कोई सहमति आतंकवाद की परिभाषा है उसको लेकर, तो यहाँ पर दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई है। रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश काफ़ी आगे बढ़े हैं। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर काम करने पर सहमत है। साझा सुरक्षा चुनौतियों को चिन्हित करने की बात हुई है और उनसे मिल करके निपटा जाएगा, ये दोनों देशों ने बात कही है। रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर सहमति हुई है, हालांकि पहले ही संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देश कर रहे हैं लेकिन इसको और बढ़ाया जाए इस पर आज सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। दोनों देश म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट MLSS से संबंधित व्यवस्था पर काम करेंगे, ये बहुत है, बहुत बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है MLSS जो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, क्योंकि इससे काफी कुछ बदल जाएगा इस पूरे क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में दोनों जो है इस पर सहमत हुए कि इस पर मिलकर काम करेंगे। MLSS के माध्यम से रक्षा अभ्यासों में सैन्य अंतर संचालन को बढ़ाने पर सहमति हुई है। जो सैन्य संचालन होता है और जो सैन्य अभ्यास होता है इसमें जो, और साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो दोनों देश एक दूसरे की जो सपोर्ट है कैसे ले सकते हैं उसको लेकर बात है। दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत और आपूर्ति बहाली के लिए सहयोग करेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका कि सेनाएं जो है मरम्मत और आपूर्ति बहाली के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगी दोनों देशों की सेनाएं, ये सहयोग बढ़ाने के तहत। इसके
जिसके तहत सेना एक दूसरे के जो सैन्य अड्डे हैं उनका भी उपयोग कर सकेगी। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसका अहम बिंदु है वो समझ लीजिए कि एक दूसरे के हवाई अड्डों का और बाकी चीज़ों का भी सहयोग कर पाएंगे। समुद्री क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, क्योंकि हिंद महासागर प्रशांत महासागर की बात हो रही है, तो समुद्री क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे, इस पर लेकर दोनों देशों ने सहमति बनाई है कि इस पर मिलकर काम होगा। रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने पर दोनों देश सहमत हुए कि रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग किया जाए, कैसे जो है डिफेंस क्षेत्र में जो है किया जाए। समुद्री सहयोग, जैसे मैंने कहा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण दृष्टिपत्र जारी किया गया है। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये समुद्री सहयोग के लिए, एक अलग से भी जो है इसमें जो है संयुक्त वक्तव्य के अलावा एक अलग से दृष्टि पत्र जारी किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए जॉइंट स्टेटमेंट में बात है। इसमें कहा गया है कि समुद्री क्षेत्र में जागरूकता सहित दोनों देशों के गहरे संबंधों पर सहमति बनी है कि कैसे इन संबंधों को और गहराई दी जा सके। दोनों देशों की समुद्री एजेंसियों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की बात की गई है कि समुद्री एजेंसियां जो हैं वो मजबूती से एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, ये यहां पर कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इंडो पैसिफिक महानगरीय पहल IPOI को समर्थन दिया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको समर्थन दिया है, भारत की जो पहल है इंडो पैसिफिक में किस तरह से भारत जो है मजबूती से अपने तमाम जो साझेदार देश हैं उनके साथ काम कर रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर बेहतर समन्वय और सहयोग होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समुद्री सहयोग के अगर हिसाब से देखें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने की बात कही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में संबंधों को विस्तार दिया जाएगा, ये कहा गया है कि इनमें विस्तार दिया जाए। स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करेंगे दोनों देश, दोनों देश ने इस पर भी कहा है कि हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। हेल्थ केयर क्षेत्र को मजबूत बनाने पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, इस पर भी जॉइंट स्टेटमेंट में बात कही गई है। हेल्थ केयर क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे दोनों देश, इस वक्त कोविड की महामारी के चलते एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देश रणनीतिक अनुसंधान फंड बनाने पर भी सहमति उन्होंने जताई है, रणनीतिक अनुसंधान फंड स्वास्थ्य क्षेत्र में, और इस फंड से क्या, इससे COVID-19 और ऐसी अन्य बीमारियों के समाधान पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम करने पर सहमत हुए। तो इस तरह से इसमें और भी कई अहम बिंदु हैं, खास करके आर्थिक क्षेत्र में लेकर किस तरह से व्यापार को बढ़ाना है, इसको लेकर भी इस जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।